नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, हम सभी भगवान श्री कृष्ण को किसी न किसी रूप में अवश्य पूजते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पांडवों की कदम कदम पर रक्षा की और उन्हें महाभारत के युद्ध में जीत दिलवाई। पांडवों के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बनी जब उनका जीवन खतरे में पड़ गया था। श्री कृष्ण की कृपा से पांडव हर बार बचते रहे। तो मित्रों, आज हम जानेंगे महाभारत की 10 ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जब श्री कृष्ण ने पांडवों की हमेशा रक्षा की, और इन घटनाओं के बारे में आप निश्चित ही हैरान रह जाएंगे। तो मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं इन घटनाओं के बारे में तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत में बने रहें। मित्रों, वर्णन करते हैं पहली घटना की। पहली बार श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई। दोस्तों, युधिष्ठिर और मामा शकुनी जुआ खेल रहे थे। उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ ही द्रौपदी को भी हार गए। इसके बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली। मित्रों, अब हम जानते हैं दूसरी घटना के बारे में जब श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। दोस्तों, दुर्योधन को दे दी थी अपनी नारायणी सेना और श्री कृष्ण हो गए थे पांडवों के साथ। महाभारत युद्ध तय हो चुका था। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेना बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे। दोनों ही पक्ष श्री कृष्ण को अपनी ओर लेना चाहते थे। एक दिन दुर्योधन और अर्जुन एक ही समय पर श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। दोनों ने श्री कृष्ण को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए कहा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं खुद, लेकिन मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आप दोनों तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बातों में ऐसा उलझाया कि उसने नारायणी सेना मांग ली। इसके बाद वे खुद अर्जुन यानी पांडवों के पक्ष में हो गए। बाद में श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों को युद्ध जिता दिया। मित्रों, अब हम जानेंगे तीसरी घटना के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बनाई थी भीष्म को पराजित करने की योजना। युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे और उन्हें पांडव काबू नहीं कर पा रहे थे। भीष्म लगातार पांडव सेना को खत्म करते जा रहे थे। एक दिन युद्ध विराम के बाद रात में श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे और भीष्म से ही उन्हें पराजित करने का उपाय पूछ लिया। भीष्म ने बताया था कि वे महिलाओं के सामने कभी शस्त्र नहीं उठाते हैं। अगले दिन अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी था। भीष्म शिखंडी को स्त्री मानते थे, इस वजह से उसे देखकर उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। इसके बाद अर्जुन ने लगातार बाणों से भीष्म पर प्रहार किया और उनकी शरीर को छलनी कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण की योजना से अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। अब मित्रों, जानते हैं अगली घटना के बारे में कि जब श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की थी। मित्रों, द्रोणाचार्य वध के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी श्री कृष्ण की इस योजना ने। दोस्तों, भीष्म के बाद द्रोणाचार्य पांडवों के लिए खतरा बन गए। तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब ये बात द्रोणाचार्य को मालूम हुई तो वे निराश हो गए और युधिष्ठिर से पूछने लगे कि क्या भीम सही कह रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन वह हाथी था। जब युधिष्ठिर ये बोलने वाले थे कि वह हाथी था, उसी समय श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे हाथी वाली बात द्रोणाचार्य तक नहीं पहुंच सकी और उन्हें लगा अश्वत्थामा मारा गया। इसके बाद उन्होंने भी धनुष बाण रख दिए। तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर लिया। मित्रों, अब जानते हैं पांचवी घटना में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई। दोस्तों, कर्ण का दिव्यास्त्र ऐसे खर्च कराया था श्री कृष्ण ने जिससे कि वे पांडवों की रक्षा कर सके। कर्ण के पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसका तोड़ अर्जुन के पास भी नहीं था। कर्ण ने उस दिव्य अस्त्र को अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य अस्त्र से अर्जुन की पराजय तय है। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को उतार दिया। घटोत्कच कौरव सेना पर टूट पड़ा, कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था।
उस समय मजबूरी में कर्ण को अपने दिव्य अस्त्र से घटोत्कच का वध करना पड़ा। घटोत्कच के वध से कर्ण का दिव्य अस्त्र खच हो गया और अर्जुन की पराजय का खतरा टल गया। मित्रों, अब हम जानते हैं अगली यानी छठी घटना के बारे में, जब श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की थी। मित्रों, जयद्रथ का वध नहीं होता तो अर्जुन का जीवन संकट में आ जाता। युद्ध में द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया और उसे मार दिया गया था। इस चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ था, जिसने अभिमन्यु के अतिरिक्त किसी और पांडव को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब ये बात अर्जुन को मालूम हुई तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ को बचाने में लग गई। बहुत प्रयासों के बाद भी अर्जुन जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पा रहा था। सूर्यास्त होने वाला था। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य ग्रहण कर दिया। सभी को लगा सूर्य अस्त हो गया। ये देखकर जयद्रथ लापरवाह हो गया और उत्साह मनाने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने ग्रहण को खत्म कर दिया और तुरंत ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अब मित्रों जानते हैं अगली घटना के बारे में। भीम को बताया दुर्योधन को हराने का रास्ता। युद्ध के अंत में भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ। दुर्योधन का ऊपर का आधा शरीर गांधारी की दिव्य दृष्टि पड़ने से व्रज का बन चुका था। श्री कृष्ण की वजह से दुर्योधन का नीचे का शरीर सामान्य ही रह गया था। जब भीम दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था तब श्री कृष्ण ने ही भीम को जांघ पर प्रहार करने के लिए उकसाया, जबकि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया और मारा गया। अब मित्रों जानते हैं आठवीं घटना के बारे में, जब श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की। दोस्तों, बलराम के क्रोध से भी बचाया था अर्जुन और भीम को श्री कृष्ण ने। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा का हरण कर लिया, जिससे बलराम अर्जुन पर बहुत गुस्सा हो गए और अर्जुन को मारना चाहते थे। उस समय श्री कृष्ण ने बलराम का गुस्सा शांत किया और अर्जुन को बताया, भीम और दुर्योधन दोनों ही बलराम के शिष्य थे। जब इन दोनों का गदा युद्ध हुआ तो भीम ने अर्जुन को कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बहन सुभद्रा का अपहरण किया है। दोस्तों, भीम और दुर्योधन के युद्ध के समय भी कुछ स्थितियां ऐसी हुई कि गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन के जंघा पर प्रहार कर दिया, जो कि गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध है। और उस समय क्रोधित होकर बलराम आ गए और वो भीम को मारना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर ही बलराम ने गदा युद्ध में कोई भी आपत्ति ना दिखाई और गदा युद्ध होने दिया। मित्रों, अब जानते हैं नवी घटना। धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने बचाया था भीम को। युद्ध में भीम ने दुर्योधन और दुशासन का वध किया था, इस वजह से धृतराष्ट्र बहुत दुखी थे और भीम को मारना चाहते थे। युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण और सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे, तब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की बात कही। श्री कृष्ण जानते थे कि धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली है और अगर भीम उनकी पकड़ में आ गया तो ये उसे मार डालेंगे। श्री कृष्ण ने भीम की जगह भीम के आकार की लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र की ओर बढ़ा दी। धृतराष्ट्र इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लोहे की मूर्ति को गले लगाते ही अपनी हाथों की ताकत से चूरा चूरा कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने भीम को बचाया। अब मित्रों जानते हैं दसवीं और आखिरी घटना के बारे में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र से बचाया। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को ख़त्म करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माया से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को बेअसर कर दिया। इस तरह पांडवों के वंश को बचाया था और बाद में उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। तो मित्रों, ये थी ये थी कुछ घटनाएं महाभारत के बारे में, अनोखी। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।